अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम बनाएंगे कॉलीफ्लावर राइस विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स बट विदाउट राइस। कैसे? लेट्स सी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, कीटो डाइट में भी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं तो इसे इसलिए खाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही लजीज है। इसका हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है कॉलीफ्लावर। जी हाँ, राइस के बदले कॉलीफ्लावर। वेजिटेबल्स में ग्रीन, येलो, रेड, शिमला मिर्च, कॉर्न, बीन्स, कैरेट, मटर, ब्रोकली, ये सब। अगर कुछ नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ ज़्यादा भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वेजिटेबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। गार्लिक चाहिए होगा हमें, जिंजर चाहिए होगा दो स्टेजेस में, सोया सॉस, ऑलिव ऑयल, पेपर को हम कूटेंगे, तिल चाहिए होंगे, सेसमे सीड्स, थोड़ा सा विनेगर और नमक, और हाँ ये हमारा ग्रीन प्याज। उबलते पानी में मैंने नमक डाला है और हमारे फ्लावर को चार हिस्सों में काटा है और उसे मैंने 20 सेकेंड, सिर्फ 20 सेकेंड्स के लिए अंदर डाला है ताकि ये धुल भी जाए, साफ़ भी हो जाए और उसके अंदर अगर कोई कीड़े हो तो वो भी निकल जाए। इमीजिएटली निकाल के मैंने ठंडे पानी के नीचे रखा ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। ब्रोकली के साथ भी मैंने वही किया। अब बनाते हैं हम इसका मसाला या ड्रेसिंग। सोया सॉस लीजिए, उसमें डालिए जिंजर, गार्लिक, क्रश्ड पेपर और तिल, और इसे मिक्स करके रख दीजिए साइड में। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बनाते हैं हम हमारा राइस। हमने राइस को सब्स्टिट्यूट करके कॉलीफ्लावर के श्रेड्स यूज़ करने हैं। बड़े होल का ग्रेटर लीजिए और कॉलीफ्लावर को श्रेड करिए, आपको एकदम राइस जैसा ही फील देगा वो। अब शुरू करते हैं कुकिंग। ऑलिव ऑयल को लीजिए और सबसे पहले डालिए सख्त वेजिटेबल्स को, यानी कैरेट एंड बीन्स। इन्हें 2 से 3 मिनट सौते करिए। ये रेसिपी वेजिटेबल्स से भरी है, यानी बहुत न्यूट्रिशियस है, और इसे कुक भी ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको सोया सॉस पसंद नहीं है जिसकी वजह से इस रेसिपी का कलर ब्राउन हो जाता है तो आप उसे स्किप करके 2 ग्रीन चिलीज का पेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद डालिए अगला कच्चा वेजिटेबल विच इज़ कॉर्न, उसे सौते करिए। मैंने आपसे कहा था कि गार्लिक और जिंजर हम 2 स्टेजेस में डालेंगे। एक हमने उस मिक्सचर में डाला जो कच्चा होगा, उसका हल्का रॉनेस हमें जब हम खाएंगे तब आएगा, और दूसरा अभी हमें इस स्टेज पे डालना है ताकि वो थोड़ा कुक हो जाए और उसका फ्लेवर सारे वेजिटेबल्स में आ जाए। तो बचा हुआ सारा जिंजर और गार्लिक आप अभी डाल दीजिए और उसे फिर से सौते करिए। ये रेसिपी आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कम वेजिटेबल्स चाहिए कम डाल सकते हैं, ज़्यादा पसंद वाले वेजिटेबल्स आप ज़्यादा डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पसंद नहीं तो उसे आप माइनस कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इट्स अ वेरी फ्री हैंड वाली रेसिपी। इसमें आपको जैसे करना है जो डालना है आप कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें पेरी पेरी का मसाला डाल देते हैं, कुछ जो रेडीमेड सूप्स आते हैं उसका मसाला डाल देते हैं, कुछ लोग मैगी मसाला भी डाल देते हैं। फिर डालिए प्याज और मटर। मटर मैं अभी डाल रहा हूँ क्योंकि वो फ्रोज़न थे, अगर वो फ्रेश मटर होते तो मैं स्टार्ट में कैरेट के साथ डाल देता। इन्हें सौते करिए और अब डालिए हमारे सबसे टेंडर वेजिटेबल्स, तीनों कलर के कैप्सिकम, रेड, ग्रीन और येलो। वेजिटेबल्स कितने कलरफुल लग रहे हैं, है ना? जितने कलरफुल है स्वाद में भी उतने ही टेस्टी बनेंगे। जब हमने ब्रोकली को बॉईल करने रखा था तो मैंने 1 से 1.5 मिनट उसे बॉईल होने दिया था ताकि वो साफ़ तो हो ही जाए लेकिन कुक भी ऑलमोस्ट 70% तक हो जाए। इसलिए मैं ब्रोकली को इस रेसिपी में सबसे लास्ट में डाल रहा हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट कुक्ड है। अब बारी है हमारे राइस की। जी हाँ, कॉलीफ्लावर के श्रेड्स की। आपने अगर ये रेसिपी कभी बनाई नहीं है तो एक बार प्लीज़ बना के देखिए। बिलीव मी, आप ये बार बार बनाएंगे। एक बार बनाओगे बार बार खाओगे। साथ ही में डालिए हमने जो सोया सॉस का मिक्सचर बनाया था वो, और नमक। अब इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही फ्रजाइल होते हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं, और अगर आप इन श्रेड्स को ज़्यादा पकाओगे तो इसकी खिचड़ी बन जाएगी। आपको वो राइस वाला फील नहीं आएगा, हल्का सा क्रंची और अलग अलग दानों वाला। इसलिए ध्यान रखिए बहुत कम कुक करना है आपको, नॉट मोर देन अ मिनट। मैंने इसमें सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डाला है इसलिए उसका कलर डार्क हो गया है, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। अगर आप इसमें सोया सॉस नहीं डालोगे तो इसका कलर ऑलमोस्ट हमारे नॉर्मल राइस जैसा है। ये बहुत जल्दी सॉगी हो जाती है, इसे इमीडिएटली सर्व कीजिए। रेडी है कॉलीफ्लावर राइस विदाउट राइस। एंजॉय।